ठीक से लो। अभी ये सुबह की फर्स्ट डोज है ना आपकी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वरुण कुमार व्लॉग। और अभी पार्थ ले रहा है अपनी फर्स्ट सुबह की डोज नेबुलाइजर। ये आज मगर बहुत नखरे कर रहा है अभी। ये देख लो, हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक। बोलो अब मैं ठीक हूँ। ठीक से बोलो तेज की। ठीक हूँ। फ्रेंड्स कमाल की बात यह है कि जब रात को हमने इसको नेबुलाइजर दिया और उसके बाद मेडिसिन जो दी है, इस बार इसकी मेडिसिन इतनी बढ़िया आई कि इसको रात भर खांसी नहीं हुई। बट सुबह उठ के थोड़ा बहुत हो रहा था, वो तो चलता ही है अभी क्योंकि धीरे धीरे सही होगा। तो अभी इसको मैं नेबुलाइजर दे रहा था मॉर्निंग में सुबह अभी, तो इससे इसको काफी रिलीफ है, बहुत रिलीफ है। मैं आप सबको भी यही सजेशन दूंगा कि जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, प्लीज प्लीज वो लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा केयर करें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, इनको जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो ये है कि पार्थ ने अपने नेबुलाइजर ले लिया है और अभी अब पार्थ करेगा मस्ती। क्या कर रहा है बेटा हर्षित भाई के साथ? दीपक भैया का बेटा है हर्षित, और अभी ये हर्षित आया हुआ और पार्थ देखो कितना उसके साथ हुड़दंग मचाता है। उसको क्या पार्थ बेटा, अरे वो तेरे से उठेगा, तू जरा सा और उसकी हेल्थ देख, जरा उसको देख कितना बड़ा है वो, और तू उसको इतनी हरकतें कर रहा है पार्थ। बेटा नहीं, वो देखो कैसे खींच रहे हैं, वो देखो पार्थ, आराम से पार्थ, पार्थ क्या कर रहा है, आराम से। वो दीपक भी अभी बैठे हुए हैं यहीं पे, और ये देखो पार्थ की मस्ती। हर्षित जब भी आ जाता तो पार्थ उसके साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है, इतनी मस्ती करता है कि मैं बता नहीं सकता। और हर्षित भी उसके साथ बड़ा खुश रहता है, मतलब दोनों खूब अच्छे से खेलते हैं, मस्ती करते हैं। अभी ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कितना ये लोग अभी मस्ती कर रहे हैं। ये हर्षित, ये देखो, अरे बहुत धूम धड़ाका भैया, बहुत ज्यादा। पार्थ उसको सुला रहे, तू नुनू सुला रहे उसको है, वो देखो। वाओ पार्थ, ये क्या कर रहे हो? वाओ ये तो बड़ा सुंदर कलर करा है। ओए हिप्पोपोटामस के मुंह पे तूने क्या कहता, काला क्यों कर दिया, ब्राउन कलर करते हैं बेटा। आपने कलर तो बहुत अच्छा भरा है, पार्थ ने देखो कितना अच्छा कलर कर रहा है ना। वाओ बहुत सुंदर, मुंह पे काला कलर कर दिया, बताओ। पार्थ इसकी आईज का है, आईज बना दो, व्हाइट कलर से आईज बना दो। कर लिया कबूतर इतना नुकसान करते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए इन लोगों ने आज क्या किया, अभी मैंने ये सब उठा के रखा है, ये देखिए इन्होंने तुलसी का गमला, ये जो तुलसी का गमला लगा हुआ है ये वाला, ये इन्होंने ऊपर से गिरा दिया था ये, तो अभी मैंने इसको रख दिया है दोबारा से वहीं पे उठा के, और ये टूट भी गया, ये देखिए यहाँ से ये पूरा टूट गया गमला। और ये करामात करी है ये कबूतरों ने, ये देखिए मतलब दो गमले तोड़ दिए, एक ये भी तोड़ दिया है ये वाला भी और एक वो भी। यहाँ पे तो कबूतर वाकई में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा। अभी ऊपर बैठे हुए हैं, ये देखिए मम्मी कर रही है सफाई, झाड़ू लगा रही है, सब इन्होंने तोड़ दिया था। अरे गुलेल ले आता हूँ, गुलेल से इनको ना मार दू, इनको गुलेल से ही मारना पड़ेगा, आती थी ना पहले बचपन में गुलेल, उससे ही मार करना पड़ेगा इनका काम। तीन चार दिन के आज कपड़े भी पड़े हुए, अभी कपड़े करने पड़ेंगे मेरे को प्रेस, तो सारे कपड़ों की पोटली उठा ली जाए क्योंकि दो तीन दिन से मम्मी भी बोल रहे हैं कि कपड़े प्रेस कर दो, कपड़े प्रेस कर लो। वैसे तो हम लोग बाहर ही दिया करते थे, बट अभी जब तक घर पे हूँ तो मैं खुद ही कर लेता हूँ प्रेस, मतलब बाहर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। और हमारी प्रेस भी काफ़ी अच्छी हैवी है, जिससे कि एक बार कपड़े के ऊपर रख दो ना उसका दम निकल जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए अभी प्रेस के लिए मैंने लगा दिया है, और ये हमारी भारी भरकम प्रेस, और ये हमारे पास काफी मतलब साल पुरानी प्रेस है, अभी आपको इस टाइप की मिलेगी नहीं। मगर मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये कपड़े हैं प्रेस के, ठीक है, मीतू की मम्मी का, ये मम्मी का, ये एक जींस ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये मेरी है, और मीतू के कपड़े, ये मेरी लुंगी थी,
मीतू की साड़ी, ये भी बता दो ये इतने कपड़े क्यों हैं? मीतू के, क्योंकि हम बाहर गए थे घूमने, इतने कपड़े हैं इतने। मीतू के, मीतू के, ये देखो बाबा, हम चार पांच सारे कपड़े मीतू के हैं, ये देख लो प्रेस के कपड़े तो प्रेस हो गए, मगर हालत खराब हो गई है, पूरी कमर और पैर ना इससे दुख रहे हैं बुरी तरीके से। और अभी मैं देख रहा हूँ पार्थ के, पता नहीं ये क्या हो गया है, जो मेरे को लग रहा है जो इसको मेडिसिन दी है उसकी वजह से इसकी तबीयत तो ठीक हो गई, मतलब इसको खांसी नहीं हो रही ज्यादा, मगर इसके मुंह में छाला हो गया लग रहा है। पार्थ दिखाओ बेटा आपके क्या लगा है, वो दिखाओ, वो आपके, हाँ ये देखिए इसको ना उससे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को लग रहा है दवाई हार्ड थी ये इसकी, क्या कहते हैं, खांसी तो ठीक हो गई है मगर इसके मुंह में छाला हो गया। अभी ये जा रहा है अभी नेबुलाइजर लेने, तो नेबुलाइजर मैं इसको दे दूं फिर मैं आपसे मिलता हूँ बात करता हूँ। अभी आज पार्थ की मैंने एक रिमोट कार सही कर दी, उसमें एक प्रॉब्लम थी सही हो गई, और पार्थ देख लो कितना मस्ती कर रहा है। पार्थ रुको रुको हटो, ये देख लो ये इसने ऐसी खराब कर दी थी, उस चल नहीं रही थी, आप चल रही है। पार्थ छोड़ तो सही, वो देखिए ये देखिए पार्थ एक बार छोड़ दे बेटा, ऐसे वो प्रॉब्लम करेगी, ये चलती नहीं थी अब चल रही है। पार्थ आप छोड़ दो, पार्थ रुको, ये देखो डिस्को करती है इसकी ये गाड़ी, मे बी इसकी सेल वीक है, शायद सेल वीक नहीं, अंदर से गरारी इसकी खराब हो गई थी जो मैंने अभी सही करी है। हाँ, और चार्जिंग में भी लगाना होगा क्योंकि अभी तो मैंने इसको ऐसे ही चला दिया, इसके अंदर से एक गरारी होती है टायर की जो खराब हो गई थी, वो मैंने अभी सही कर दी, अब सही चल रही है, बट अब इसको चार्जिंग में लगाना होगा। ठीक है, चार्जिंग में लगा देते हैं, लगा दो चार्जर इसका, ये ही लगा है ना? हाँ वही लगा हुआ, फास्ट रुक जाओ बेटा, इसको लगा देते हैं चार्जिंग में, इसको निकाल देना, ये नहीं कि लगा रहे काफी देर तक, अरे निकाल देंगे वो, अभी तो लगा दो इसको, थोड़ी देर लगा रहेगा अपना चलेगी, उसके बाद हम करते हैं। अब ये लो वो सेल लेके चला गया पार्क बेटा, ये नहीं लगेंगे। ये गाड़ी भी मैंने सही कर दी, इसके अंदर से गरारी खराब हो गई थी, तो वो मैंने इसको ठीक से अच्छे से लगा दिया है, अब वो बढ़िया चल रही है, बट उसको चार्जिंग में लगा दिया, चार्जिंग हो जाएगी चलने लगेगी। बट इसकी एक गाड़ी अभी मेरे को और सही करनी है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी उसका फ्लैप अभी भी टूटा हुआ है, वो मैं अभी तक ठीक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को उसके लिए सोल्डरिंग आयरन की जरूरत है, बट एक जुगाड़ और है, मैं वो कल हो सकता है मैं उसके सही कर दूं। बाकी वैसे भी आजकल पार्थ के पास तो गाड़ियां बहुत हो गई हैं रिमोट वाली, वो किसी ना किसी गाड़ी को तोड़ता रहता है, खेलता रहता है, तोड़ता रहता है, खेलता रहता है, बस इसका यही लगा हुआ है, तो कल करूंगा मैं उसकी वो गाड़ी सही। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ 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 फ्रेंड, मेरे को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और उसको सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं कल सुबह फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।